भारत ने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना की इतनी बेतहाशा मार झेलेगा भारत, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों की मौत हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया, मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों की जो इस विपत्ति की घड़ी में आकर भारत की मदद कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। भगवान सबको ऐसी शक्ति दे कि दूसरे की लोग मदद कर पाए और दूसरे की जान बचा पाए। तो ऐसे में भारत जो देश है, ये बहुत ही बुरी तरीके से अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और यहाँ के लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में दो बड़े बड़े देश जो हैं, वो वैसे तो कई देश मदद कर रहे हैं, लेकिन दो देशों से मदद की जो सामग्रियां हैं वो भारत पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि रशिया का जो विमान था वो भी भारत पहुंच चुका है। उसमें क्या क्या वो रशिया ने किस तरीके से मदद की है ये आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ यूएस यानी अमेरिका का जो विमान था वो भी भारत पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने अपने दोस्त पुतिन से, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, पुतिन से उन्होंने बात की टेलीफोन पर और पुतिन का उन्होंने धन्यवाद कहा। कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन को मैं धन्यवाद कहता हूं कि इस दुख की घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में किस तरीके से वो भारत की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका को भी प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद कहा है और अमेरिका की तरफ से भी जो है पहला विमान आ चुका है। इस विमान में क्या क्या है ये आगे हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम भी धन्यवाद करते हैं ऐसे देशों का जो हमारे देश को इस विपत्ति की घड़ी में मदद कर रहे हैं। और आगे आकर जो सामग्रियां हैं, जैसे बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की, ऑक्सीजन प्लांट की, ऑक्सीजन की, तो ऐसी चीजें जो हैं वो भारत को इस दुख की घड़ी में दे रहे हैं, जिससे भारत के लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें, भारत के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो और भारत से ये कोरोना महामारी जो है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। इस पर हमने तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट की किस तरीके से अमेरिका ने भारत की क्या क्या चीजें देकर मदद की है और रशिया के फ्लाइट से आखिर भारत क्या क्या आया है, देखिए हमारी रिपोर्ट। विपत्ति की घड़ी में अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भारत की मदद करने के लिए आ गए हैं। जी हाँ, बता दें कि अमेरिका मदद के लिए आगे आया है। आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका 10 करोड़ डॉलर की कोविड मदद भारत भेजेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जरूरी स्वास्थ्य सप्लाई के लिए पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो चुकी है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अपने बयान में कहा है कि फ्लाइट दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट से 28 अप्रैल की रात ट्रेविस एयरफोर्स बेस से चली है। यूएसएआईडी ने कहा है कि कैलिफोर्निया राज्य की तरफ से दिए गए 440 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर समेत संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए 960,000 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 1,00,000 N95 मास्क भी शिपमेंट में आ रहे हैं। व्हाइट हाउस अमेरिकी राज्यों की सरकारें, निजी कंपनियां, एनजीओ और हजारों अमेरिकी महत्वपूर्ण ऑक्सीजन संबंधी उपकरण और सप्लाई भारत के लिए अस्पतालों तक डिलीवरी करने में जुटे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि तुरंत भेजी गई आपातकालीन सहायता में ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स, पीपीई किट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट शामिल हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 1100 सिलेंडर की शुरुआती डिलीवरी भारत में ही रहेगी और इसे स्थानीय सप्लाई सेंटर पर बार बार रिफिल किया जा सकता है। बाकी सिलेंडर शिपमेंट में आते रहेंगे। CDC ने भी कई ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है और इन्हें भारत की मदद से अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। अमेरिका ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी मुहैया करा रहा है। इसके अलावा अमेरिका से 1.5 करोड़ N95 मास्क भी आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी हुई फैक्ट शीट के मुताबिक अमेरिका एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की 20,000 ट्रीटमेंट कोर्स का पहला हिस्सा भेज रहा है। भारत में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। मुश्किल की इस घड़ी में दुनिया भर के तमाम देश भारत की मदद करने आ रहे हैं, इसमें रूस भी शामिल है। रूस से भारत की मदद के लिए रूस का एक विमान सामान लेकर भारत पहुंचा है। इस विमान में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत कई मेडिकल उपकरण हैं। रूस की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रिया कहा है। रूस से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर और दवाएं सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी कि बीते दिनों उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा हुई। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में लगातार 7 दिन से 3 लाख से अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। बुधवार को देश भर में 3,60,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और रिकॉर्ड में 3,293 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। इसके बाद अगर आज की बात करें तो आज 3,600 व्यक्तियों से ज्यादा की मृत्यु हुई है। ऐसे में ये जो देश हमारी मदद कर रहे हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीएन पिंडा, हम आपको पल पल की सारी अपडेट देते रहते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। धन्यवाद।